एनसीपी अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा जाने के इच्छुक थे, इसके लिए उन्होंने पार्टी के नेताओं से बात भी की थी, लेकिन पार्टी ने उसकी जगह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। सुनेत्रा ने राज्यसभा के लिए नामांकन भी भर दिया है। पार्टी के इस फैसले के बाद से छगन भुजबल नाराज चल रहे हैं। छगन भुजबल ने कहा कि उन्होंने न केवल अभी बल्कि 6 साल पहले भी राज्यसभा की उम्मीदवारी मांगी थी। उन्होंने कहा कि मेरी दिलचस्पी तभी हो गई थी जब 6 साल पहले प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा भेजा गया था। मैंने सोचा कि समय आने पर हम बात करेंगे, मगर पार्टी ने किसी और को भेजने का फैसला किया। दरअसल राज्यसभा के उम्मीदवारों की रेस में छगन भुजबल का भी नाम था, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी को उतारने का फैसला लिया। भुजबल ने कहा कि उनकी भी राज्यसभा में जाने की इच्छा थी। विधानसभा में 4 साल हो गए हैं, मंत्री पद मिला, उम्र बीत गई, कभी कभी मैं संसद जाऊंगा। जिसे मैंने शाखा का प्रमुख बनाया वो संसद के लिए चुने गए और मंत्री बने, मैंने ऐसा सोचा। उन्होंने कहा, मेरे साथ काम करने वाले मनोहर जोशी लोकसभा अध्यक्ष बने, मैंने सोचा कि हमें भी चलना चाहिए। कई मित्र कह रहे थे कि असेंबली में कितने दिन हैं, तो इच्छा व्यक्त की। दूसरे दिन बैठक हुई, फिर चर्चा हुई। अजीत दादा उस समय बाहर गए थे, चुनाव से एक दिन पहले इस पर चर्चा हुई थी। सभी ने सुनेत्रा ताई का नाम आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि किसी से नाराज नहीं हूं। छगन भुजबल ने आगे कहा कि आपकी हर इच्छा पूरी हो ये जरूरी नहीं है। हर किसी को पार्टी के फैसले को स्वीकार करना होता है। राजनीति में लोगों को लगता है कि ये मौका मिलेगा, लेकिन मौका हाथ से निकल जाता है। योग्य होते हुए भी उस पद पर नहीं जा सकते। लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार को बारामती सीट से हार का सामना करना पड़ा था। सुप्रिया सूले ने यहां से लगातार 4थी बार जीत दर्ज की। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जब उनसे मनुस्मृति के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर मनुस्मृति जैसी कोई चीज़ है तो मैं उससे परे देख रहा हूं। नहीं मतलब तो नहीं, मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी मुझे उसकी परवाह नहीं। जब मनुस्मृति की बात आएगी तो मैं किसी और चीज़ की परवाह नहीं करूँगा।